एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारे इस यूनिवर्स में काफ़ी सारे वर्ल्ड हैं और हमारे इस वर्ल्ड में दो तरह के वर्ल्ड हैं, एक है सुपीरियर वर्ल्ड और इंफीरियर वर्ल्ड। इन दोनों वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर लगा हुआ है जो कि है स्टार आई। सुपीरियर वर्ल्ड में जाने के लिए इंफीरियर वर्ल्ड का एक ऐसा बंदे की ज़रूरत है जो कि इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हो और उसके पास मिथियोर स्वॉर्ड होना है। हमारी ये कहानी एक जियो नाम की वर्ल्ड पे ऊपर है जो कि इंफीरियर वर्ल्ड में से एक है। एपिसोड की स्टार्ट होते ही हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम है थर्ड यंग मास्टर सेन, तो हम इसको यंग मास्टर सेन ही बुलाएंगे। इस वर्ल्ड में जब से ही मार्शल आर्ट शुरू हुआ है तब से यह बंदा एक भी मैच ना था हारा और आज इसका फाइट डेविल सेट का चिप से होने वाला है। उसका अगले ही व्यू में हम देखते हैं यहाँ पे डेविल सेट का चिप आ जाता है और हमारा हीरो सेन क्वीन से कहता है कि रेंगजेंग शॉर्ट सूत्र को हमारे हवाले कर दो और मैं इसके बदले 160 लोगों की जिंदगी अब बख्श दूंगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर फाइट शुरू हो गया था। वो टेबल सेट का चिप हमारा थर्ड यंग मास्टर सेन के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और यंग मास्टर सेन इस अटैक को बड़े ही आसानी से डॉस कर लेता है। अगले पल हम देखते हैं कि एक लड़ाई करते करते एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं, लेकिन यंग मास्टर सेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे से फाइट करते हुए हमारा थर्ड यंग मास्टर सेन कहता है कि मैं जिस शॉट को ढूंढ रहा हूँ ये वो शॉट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ये शॉट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों के इस खतरनाक फाइट से पहाड़ के एक हिस्सा भी टुकड़ा हो गया था। उसके साथ और हमें यह भी बताया जाता है कि इनके बीच चल रहा फाइट के और को बहुत दूर से देखा जा सकता था। यही पल देखते हैं कि हमारा हीरो थर्ड यंग मास्टर सेन लड़ाई करते करते नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर आके फिर से फाइट करने फिर से उनके अंदर एक बहुत खतरनाक वाला बैटल शुरू हो जाता है। इस फाइट में डेविल सेट का चेप हार जाता है और जान से मरा जाता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन जो कि ये कहानी कुछ लोगों को सुना रहा होता है, लेकिन फिर वो बुड्ढा इंसान कहता है कि इस फाइट के बाद से हमारा हीरो थर्ड यंग मास्टर सेन को आज तक नहीं देखा गया, किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। तभी एक लड़की कहता है कि थर्ड यंग मास्टर बहुत हैंडसम और पावरफुल थे, यकीनन इस फाइट को उन्होंने ही जीता होगा। लेकिन पीछे से एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता ये यंग मास्टर ने ये फाइट जीता होगा, मुझे लगता है कि वो मर चुके होंगे, लेकिन जिंदा होता तो शायद यहाँ पे आता। इसका ये बात सुनकर यहाँ पे एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारा थर्ड यंग मास्टर सेन डेविल से लड़ते लड़ते उन्होंने ख़त्म कर दिया था और इसके बारे में तुम भला बुरा कैसे बोल सकते। लेकिन वो ओल्ड मैन इन दोनों को फाइट को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ओल्ड मैन को धक्का देकर फिर से फाइट करने लगते हैं। पर तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ के इंसान बहुत ही शरीफ है और किसी भी बात को सीरियसली लेता है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि छुपते हुए कहीं पे जा रहा होता है और वो सीधा जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर तभी वो मन ही मन कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है कि थर्ड यंग मास्टर सेन ब्लैक हिल में ही मौजूद है। सामने से थर्ड यंग मास्टर सेन कहता है कि तुम्हें पेड़ के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है जबकि तुम मुझे मारने के लिए आ ही गए। और फिर हमें इस इंसान के बारे में बताया जाता है कि यह है लैंटन टेम्पल का लीमन डेसिफन फूजियन होता है और वो सोचने लगता है कि इसको मेरा लोकेशन कैसे पता जबकि इसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आता। पर तभी हमारा थर्ड यंग मास्टर सेन कहता है कि मेरे मुताबिक तुम लैंग टेंपल में अनइंटेंशनल किलिंग शॉट कल्टीवेट करते हो जिससे कि तुम बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम एक अच्छा इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सोच लूंगा कि तुम कभी आए ही नहीं थे यहाँ। पर तभी वो बंदा निकल के कहता है कि थर्ड यंग मास्टर सेन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आप मुझे ऐसे ही जाने के लिए कह रहे हो। पर तभी यंग मास्टर सेन सोचने लगता है कि इसकी शॉट बजरा लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन यह शॉट बहुत ही रेयर है, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए क्योंकि यह शॉट पहले से ही लालच और इच्छा से पोल्यूटेड हो चुका है। पर तभी वो बंदा कहता है कि मैंने अभी अभी मेरे डिवाइन आई से चेक किया है कि तुम्हारा एक डेंटियन डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक विंग्स टूटा हुआ है, इसलिए तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन में होंगे, है ना। मैं इसीलिए इसी बात पर श्योर है कि मैं तुम्हें हरा के हेवनली रैंक पर पहुंच जाऊं। ये कहते ही वो थर्ड यंग मास्टर के सामने रखे टेबल को तोड़ देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है और जल्दी से अपना बुद्धा लोटस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इस टेक्निक को चार्ज करते हुए हम अपनी फुल एनर्जी को के इस्तेमाल करते हुए वो थर्ड यंग मास्टर सेन के ऊपर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि वो बुद्धा लोटस से बहुत सारी शॉट थर्ड यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है,
लेकिन हमारा थर्ड यंग मास्टर सेन एक फूल की पकड़ी को यूज़ करते हुए एक पोर्टल को क्रिएट करता है और सारा स्वॉर्ड उस पोर्टल में के अंदर चला जाता है, स्वॉर्ड में बदल जाता है। उसी स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर हमारा थर्ड यंग मास्टर सेन अटैक करता है और उसका बुद्धा लोटस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बंदा पूरी तरह से हार चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा मास्टर सेन के अटैक से घायल होकर नीचे गिर गया था और कहता है कि इस टेक्निक को मेरे को सीखने के लिए पूरा ज़िंदगी लग चुका है, लेकिन मैं एक फ्लाइंग फ्लावर से हार चुका हूँ। और कहता है कि क्या ये टेक्निक लेजेंडरी वांगजेंग शॉर्ट सूत्र है। और वो बंदा कहता है कि मैं 20 साल तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है, लेकिन मैं ये हो जाएगा मैं सोचा नहीं था। पर तभी मिस्टर सेन कहता है कि तुम अनइंटेंशनल किलिंग शॉट कल्टिवेट करते हो, तुमने गलत रास्ता चुना, क्योंकि किलिंग के साथ कभी कल्टिवेट ही नहीं किया जा सकता। और फिर वो बंदा कहता है कि मास्टर सेन, मैंने गलत रास्ता चुना और मुझे मार दीजिए। मास्टर सेन उसके गले में शॉट डालकर कहता है कि जाओ और जिहान मेंटल स्किल को कल्टिवेट करो, और उसे वो शॉट दे देता है। तो गाइस आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो।